Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a new topic, that is Theory of Personality in Accordance to Indian View, or you can say Panchkosh Theory of Personality. Okay? So, in the new syllabus of your BA education, there are many new topics which have been included, such as concept of intelligence in accordance to Indian view, concept of personality in accordance to Indian view. आप समझ सकते हैं ये सब क्यों include किया गया है? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कह रही है कि IKS से जोड़कर पढ़ाइए, है ना? इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है, जो हम भूल गए, विस्मृत हो गया हमसे, जो मतलब इतने गुणों से भरपूर है, जिस पर हमें गर्व करना चाहिए, उसको हम भूल गए हैं. वेस्टर्न ज्ञान के आगे वो शैडो में चला गया है. तो हमको उसको बाहर निकालने के लिए अब ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो IKS से रिलेटेड कंसेप्ट है उसको आपसे जोड़कर पढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग कभी पर्सनैलिटी में पंचकोश थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी नहीं पढ़ते थे BA एडमिट में, ना ही इंटेलिजेंस में इंडियन कंसेप्ट पढ़ा जाता था. तो ये अच्छी बात है कि देर से ही सही ये चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं. तो पंचकोश यानी कि ये भारतीय परिप्रेक्ष्य है, परिदृश्य है, परिप्रेक्ष्य है कि व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है, व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है, है ना? तो द थ्योरी ऑफ पंचकोश इज इल्यूसिडेटेड मैनिफिशियंटली इन तैत्तिरीय उपनिषद. श्री अरविंदो ने 1981 में कहा कि तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश के सिद्धांत का वर्णन है जो कि पर्सनालिटी से जुड़ता है, थ्रू द वे ऑफ डायलॉग बिटवीन गुरु वरुण एंड हिज सन भृगु. और ये भी कब पता चलता है? देखिए, जितना भी आपको टेक्स्ट मिलेगा पुराना, वो अक्सर डायलॉगिक वे में मिलता है. मतलब जो चीजें हम बताना चाह रहे हैं वो ये दिखा दिया जाता है कि गुरु से शिष्य प्रश्न पूछता है और शिष्य के प्रश्न का उत्तर देने की प्रक्रिया में गुरु वो सारी बातें बताते हैं. तो गुरु वरुण है और उनका पुत्र जो है वो भृगु है, उनके बीच का संवाद है और इससे ये बातें निकल कर आ रही है. इन द कंसेप्ट ऑफ पंचकोश द वर्किंग ऑफ द बॉडी एंड माइंड इज टेकन एंड अंडरस्टूड एज एन इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म. यानी कि पंचकोश के संप्रत्यय में ये बताया गया है कि जो बॉडी और माइंड है वो इंटीग्रेट है, अलग अलग नहीं है. जो हमारा शरीर है और जो हमारे मस्तिष्क की प्रक्रिया है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है. पंचकोश थ्योरी इज बेस्ड ऑन टू वर्ड्स, पंच प्लस कोश, है ना? ये तो समझ में आ रहा है कि पांच कोशों की बात की गई है. पंच मीन्स फाइव एंड कोश मीन्स शीत. कोश का मतलब कवर कह सकते हैं ना, लेयर कह सकते हैं, कवर कह सकते हैं, कुकून कह सकते हैं. इट इज सेड दैट जस्ट एज द सिल्क वर्म इज कवर्ड विद इन इट्स कुकून, जैसे कि जो सिल्क का कीड़ा होता है वो अपने कुकून से कवर्ड होता है, एज ए शेल्टर अराउंड इट, जो उसको आश्रय देता है, संभाल के रखता है. ह्यूमन बीइंग टू इज कवर्ड विद द फाइव लेयर्स और शीट्स. जो मनुष्य है वो भी पांच कवरों से ढका हुआ है, विच रेंज फ्रॉम द कोरेस्ट टू द सटलेस्ट, है ना, जो कि सबसे स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं. द मॉडर्न साइकोलॉजी कंसिडर्ड ईच शीट एज अ डायमेंशन ऑफ सेल्फ. और जो साइकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य से देखें तो हर शीट एक सेल्फ का डायमेंशन है, मतलब आपके आयाम की एक बात है जो पांच शीटों में कही गई है. दिस ह्यूमन सेल्फ इज एन एमलगमेशन ऑफ फाइव शीट्स. तो जो मनुष्य का स्व हो गया वो क्या हो गया, इन पांच कवरों का जुड़ाव हो गया. एंड द ह्यूमन बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ दीज वेरियस लेयर्स. और हमारा व्यवहार क्या हो गया, इन्हीं लेयर्स के कार्यों से हमारा व्यवहार का प्रकटीकरण होगा. ठीक, तो शीत कौन कौन सी है ये आपको याद करनी पड़ेगी. अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश. इतनी शीत्स की बात हो रही है. तो अन्नमय कोश क्या है, मीन्स द फिजिकल बॉडी, हमारा स्थूल शरीर. प्राणमय कोश क्या है, वाइटल शीत है, जैविक जो इसमें ऊर्जा है वो प्राणमय कोश है. मनोमय, जैसा कि नाम ही बता रहा है, मन की बात हो रही है, तो ये इमोशंस और सेंटिमेंट से डील करता है. विज्ञान में ये इंटेलेक्ट और रैशनैलिटी से डील करता है, मतलब बुद्धि, तार्किकता. और आनंदमय कोश है, जो देखिए हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन में हमेशा आनंद को एकदम सुपर मतलब कि सुपर ब्लिस की उपाधि दी गई है, कि एकदम आप एकदम आनंद की स्थिति में हो जाएंगे, कोई दुख कष्ट आपको समझ में नहीं आएगा. इट इज द शीथ ऑफ इटर्नल ब्लिस, मतलब शाश्वत आनंद होगा. और द स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, या आपको ये अनुमान हो जाएगा कि आप उसी परम पिता परमात्मा का अंश है आपके अंदर, है ना? तो इस तरीके की बातें भारतीय दर्शन में कही गई हैं. तो ये है पंचकोश का, अगर आप डायग्राम देखना चाहें, ये कहीं से मैंने लिया है, मेरा बनाया हुआ नहीं है,
ये देखिए, ये कह रहे हैं ये मनुष्य हो गया, इसका अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश है। तो जो अन्नमय है, कहाँ गया अन्नमय, ये अन्नमय। फिजिकल बॉडी, तो फिजिकल बॉडी में क्या क्या आएगा, डीएनए, आपके सेल्स, टिश्यूज, नर्व्स, ऑर्गेन्स, बॉडी सिस्टम, ये सब अन्नमय कोश में आ जाएगा। प्राणमय कोश में एनर्जी ना, वाइटल शीत की बात की जा रही है, जैसे नाड़ी और चक्रों की बात की जाती है। मनोमय में हमारा डेली माइंड है, जैसे हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, फियर्स, फोबियाज, मतलब हमें क्या पसंद है, ना पसंद, हम किससे डरते हैं, ये सारी बातें। विज्ञानमय में हमारा इनर कॉन्शियंस है ना, हम अंतः चेतना, हमारी हमारी अंदर की आवाज, हमारे मूल्य, हमारा विश्वास, हमारी बुद्धि, ये सब विज्ञानमय में आएगा। और आनंदमय में बीइंग विद सेल्फ, हम अपने आप से, हमारा जब जुड़ाव हो जाए, जब हमारा नेचर से जुड़ाव हो जाए, तो हम सुपर स्पिरिचुअल ब्लिस की स्थिति में होंगे। ये वेलनेस स्पेस का बनाया हुआ डायग्राम है, इनका कोई वो होगा, मतलब सेंटर होगा, बेस्ड ऑन तैतरीय उपनिषद, इसमें भी लिखा है, लगभग 2000 साल पहले की लिखी हुई बात है। देयर आर नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बट मर्ज इनटू वन अनदर। और ऐसा नहीं है कि मनोमय आनंदमय में बीच में इतनी कठोर दीवार है, आर पार नहीं हो सकता, नहीं, सब एक दूसरे में मर्ज कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, है ना। अब ये कोश के गुण हैं, ये आप, ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि अन्नमय कोश का मतलब अन्न है ना, तो फूड, एपेरेंट शीत यानी फिजिकल बॉडी, और ये कहाँ से मिलेगा, आसन और स्टेबिलिटी मिलती है इससे। प्राणमय कोश मतलब एयर, एपेरेंट शीत, ये एनर्जी बॉडी है, ये एनर्जी है, और ये वाइटैलिटी मतलब जैविक ऊर्जा, कैसे कुछ लोग एकदम ऐसे आपको दिखते हैं, कुछ एकदम ऊर्जा से भरपूर दिखते हैं, उस तरीके की बात। मनोमय माइंड स्टफ, मेंटल बॉडी की बात है, मनस, माइंड, क्लैरिटी, है ना। विज्ञान में विजडम है ना, इंटेलेक्चुअल बॉडी, आपका इंटेलेक्ट, इससे विजडम समझ में आता है। और आनंद में ब्लिस बॉडी, आनंद मिलता है और इससे ब्लिस मिलता है। और यहाँ देखिए, आप स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर जा रहे हैं, यानी अन्न में तो आपकी फिजिकल बॉडी है और आनंद में ये सूक्ष्म बॉडी है। ओके, तो ये कोश के गुण हो गए। अब एक एक को अलग से देख लीजिए। अन्नमय कोश को फूड शीत कहेंगे। व्हेन वी ईट फूड, द सेम टर्न इनटू द मसल्स, वेन्स, ब्लड सेल्स एंड बोन्स। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, उसी से आपकी मांसपेशियां, आपकी कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं, आपकी अस्थि मज्जा, इनका निर्माण होता है। इफ एन इंडिविजुअल टेक्स बैलेंस्ड डाइट एंड डस प्रॉपर एक्सरसाइज, द अन्नमय कोश ग्रोज वेल एंड द इंडिविजुअल इज फिट एंड एंजॉयज हेल्थ। अगर आप अच्छा संतुलित भोजन ग्रहण करते हैं, अगर आप भारतीय दर्शन के हिसाब से देखें तो सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज भी करते हैं, तो आपका अन्नमय कोश जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। The योग टीचिंग्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव ह्यूमन इंटरेक्शंस, हेल्दी सात्विक, देखिए आ गया, वेजिटेरियन फूड है ना, इंक्लूडिंग मिल्क प्रोडक्ट्स, डाइट फॉर द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। और यही अगर आप मीट, अल्कोहल और ड्रग्स का कंजम्पशन करेंगे, तो ये आपके शरीर को कमजोर बना देगा, नेगेटिव वाइब्स मिलेंगी आपको। तो इसीलिए कहा जाता है बीइंग वेजी है ना, वेजिटेरियन डाइट प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर द बॉडीज एंड ऑप्टिमल वे। तो ये एक एक बताने का तरीका है कि अन्नमय कोश को कैसे सुधार सकते हैं, बैलेंस डाइट से सुधार सकते हैं। अगर बैलेंस डाइट लेंगे तो हिसाब किताब ठीक रहेगा आपका। फिर प्राणमय कोश, इसको फंडामेंटल शीत कहा है, इट इज अ रीस्ट्रेंड शीत ऑफ इंटर गैलेक्टिक एनर्जी, बार बार एनर्जी की बात की जा रही है, दैट सराउंड्स द फिजिकल बॉडी, और हमारे फिजिकल बॉडी को ये कवर करता है। इट इज द शीत ऑफ आउटर स्पेस एनर्जी दैट एंटर्स एंड सराउंड्स द आउटर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट क्रिएट्स अवर ऑरा, जैसे कहते हैं नहीं, कुछ लोगों से मिलो तो लगता है उनका ऑरा कितना अच्छा है और कुछ लोगों का नहीं लगता आपको अच्छा। The brightens that originates from us. Pran is one of the nourishment that is important for our life as food and drink. जैसे कि भोजन और पानी हमारे लिए जरूरी है, उसी तरह से प्राण वायु भी जरूरी है। As we take a breath, we not only take oxygen inside but also the pran. All food gives us nutrition as well as pran. The pran is also affected by the other factors like our thoughts and emotions and has impact on our other kosha. ये सारी बातें की जा रही हैं। और इसके symbols क्या हैं कि आप में good communication skill है, flexibility है body में, leadership skill है, discipline है, इसका मतलब कि आपका प्राण सही काम कर रहा है। फिर मनोमय कोश, ये आपकी माइंड शीत है। दिस शीत इज मोर वाइड एंड पावरफुल देन द प्राणमय कोश। ये प्राणमय कोश से भी ज्यादा विस्तृत भी है और शक्तिशाली भी है। अवर माइंड कैन रीच एनी प्लेस इन लेस देन ए सेकेंड। मन आपका कहीं भी पहुंच जाता है, एक सेकेंड भी नहीं लगेगा। दस इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल दी थॉट्स। इसीलिए कहते हैं कि मन को नियंत्रण करना मुश्किल है। द वन हु इज एबल टू कंट्रोल हिज माइंड कैन गेन कंट्रोल ओवर हिज डेस्टिनी।
जो अपने मन पर नियंत्रण कर सकता है वो अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। दी बेस्ट वे टू कंट्रोल द माइंड इज द पॉजिटिव थिंकिंग। और आप पॉजिटिव धनात्मक चिंतन से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए बताया गया योग करिए, यम नियम करिए, जो 10 एथिकल प्रिंसिपल्स हैं राजयोग के, कौन कौन से हैं? अहिंसा, अनुशासन, विचारों की शुद्धता, गिविंग मतलब त्याग कर देना, अंडरस्टैंडिंग समझना, ट्रूथफुलनेस सत्य, नॉन स्टीलिंग अस्तेय चुराइए मत कुछ, नॉन एक्यूमुलेशन ज्यादा संग्रह मत कीजिए, प्रैक्टिसिंग होली स्क्रिप्चर्स एंड डिवोशन टू गॉड। ये सब करके आप मनोमय कोश का विकास कर सकते हैं। तो ये मनोमय कोश का एक और है कि माइंड शीथ है, इसमें माइंड ईगो मेमोरी है, और यहाँ आपके वो आ रहे हैं 5 ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज, आईज ईयर्स नोज टंग स्किन। तो साइकोलॉजिकल फंक्शन है, डिजायर पायर है, ये कंपोनेंट्स ऑफ द माइंड शीथ है, यानी कि माइंड ईगो मेमोरी और सेंसेस मिलके माइंड शीथ बनाते हैं। फिर विज्ञान में कोश, ये आपका रैशनल कंपोनेंट हो गया ना, जहां तार्किकता की बात आएगी। इट कैन बी ओरिएंटेड पॉजिटिवली और नेगेटिवली, दिस डिपेंड्स ऑन द फ्रेंडशिप वी हैव, द सोसाइटी, द थिंग्स दैट वी अब्सॉर्ब फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, यानी हम कैसे वातावरण में रहते हैं, कैसे लोगों से घिरे हैं, यानी कि हमारे अनुभव, हमारी जो अपब्रिंगिंग है, हमको जो शिक्षा मिली है, उन सबसे हमारा विज्ञान में कोश विकसित होता है। और द माइंड इज द स्टोरेज ऑफ अवर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज रिसीव, दिस इज द प्राइम सोर्स फॉर टेकिंग डिसीजंस। हम निर्णय ले सकते हैं, हमको 5 ज्ञान इंद्रियों से स्टिमुलस मिलता है, वो सब इंटीग्रेटेड वे में होके हमारा इंटेलेक्ट और अल्टीमेटली विजडम बनता है ना। आनंदमय कोश, इट इज द बॉडी ऑफ पीस, यहाँ एकदम शांति, सुख और आनंद की अनुभूति होगी आपको। इट इज द मोस्ट सुपीरियर ऑफ द 5 शीट, सबसे ये सुपीरियर है एंड डिफिकल्ट टू कॉन्क्वर, और इस पर विजय प्राप्त करना सबसे मुश्किल है, बिकॉज द डिजायर फॉर द जॉय एंड कम्फर्ट इज ए पावरफुल मोटिवेटर, है ना। 2 टाइप्स ऑफ जॉय हो सकते हैं, एक तो टेम्परेरी लिमिटेड जॉय, जो हम लोग साधारण मनुष्य पूरी जिंदगी भर करते हैं कि जरा सा कुछ मिल गया, क्षणिक खुश हो गए, फिर कुछ गलत हो गया तो दुखी हो गए, हम सभी ऐसे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो संत हैं, जो महान आत्माएं हैं, वो एवर लास्टिंग और अनलिमिटेड फीलिंग ऑफ सुप्रीम जॉय के लिए काम करते हैं। इसलिए उनकी जिंदगी में कुछ भी गलत भी होता है तो भी वो दुखी नहीं होते, कुछ बहुत खुश होता है तो भी वो अति उत्साहित नहीं होते, वो ये एक नॉर्मल एकदम आनंदमय स्थिति में, इसीलिए हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट सी रहती है। द फर्स्ट कम्स थ्रू द फेवरेबल सर्कमस्टेंसेज, वेयर इज द अदर वन इज अनकंडीशनल एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेज। जो पहला वाला है वो तो हमको फेवरेबल, आज हम फर्स्ट आ गए, आज हमारी नौकरी लग गया, आज हमारा प्रमोशन हो गया, तो फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस पे हम खुश हैं। और दूसरी वाली जो दशा है वो बाहर की वातावरणीय दशाओं पर निर्भर नहीं करती है। हैविंग द महाआनंद इज द बेस्ट एंड ऑल अदर जॉयज आर लिमिटेड एंड टेम्परेरी। थ्रू ज्ञान वी कैन फ्री अवरसेल्व्स एंड द भक्ति कैन लीड अस टू द गोल, बट द लास्ट स्टेप व्हिच टेक्स अस टू द मोक्ष इज थ्रू द नॉलेज ऑफ द ट्रुथ। तो ये सारी बातें भारतीय दर्शन में व्यक्तित्व के लिए कही गई है। कहने का मतलब कि जब हम आनंदमय कोश तक हमारा विकसित हो जाएगा, हम सुपर ब्लिस की स्थिति में पहुंच जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपकी जो आपका जो व्यक्तित्व है वो निखर के आएगा। तो इंडियन स्पिरिचुअल कोर्स रिकॉग्नाइजेस द डीप रियलिटी दैट इट इज द पंच कोशास ऑफ ए ह्यूमन बीइंग व्हिच पजेस द पोटेंशियल टू डेवलप इन प्रोग्रेस टुवर्ड्स एडवांस्ड लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, है ना। ये कह रहे हैं कि इंटरकनेक्टेडनेस है, सारे सब जुड़े हुए हैं आपस में। व्हेन ऑल दी, और हमारी पर्सनैलिटी कब बढ़िया हो जाएगी, जब हमारे सारे कोश प्रॉपरली डेवलप्ड होंगे और उनके बीच में एक सामंजस्य की स्थिति होगी, हमारे इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड में सामंजस्य होगा, यही सामंजस्य हमें खुशी देगा। दी 5 शीट्स आर लाइक लेयर्स ऑफ क्लोथ्स वोर्न बाई ए पर्सन, है ना, यानी कि समझ लीजिए कि हमने इस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ कोशास लीड्स टू दी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जब इन कोशों का विकास हो जाएगा तो हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाएगी। दिस डेवलपमेंट यहाँ शुरू कहाँ से होगा, अन्नमय कोश से शुरू होते हुए ये आनंदमय कोश तक जाएगा। और अन्नमय कोश को आप प्रॉपर डाइट से डेवलप कर सकते हैं, आप प्राण को, मतलब आपका जो मनोमय कोश है, जो आपका प्राणमय कोश है, उसको आप हेल्थ से वाइटल कर सकते हैं, अच्छी ब्रीदिंग जो कहते हैं ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, उससे प्राणमय कोश आपका डेवलप हो जाएगा। मेंटल हेल्थ को डेवलप, आपकी मेंटल हेल्थ आपकी डेवलप हो जाएगी, तो मनोमय कोश डेवलप हो जाएगा। वो कैसे होगा कि आप हेल्दी एनवायरमेंट में रहिए, आप सूदिंग करिए, आप मंत्रास करिए, आप योग करिए, है ना, इस तरह से। उसी तरह से विज्ञानमय कोश के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, योगासन कीजिए,
जब हम इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, फ्रूटफुल एक्टिविटी, डिबेट होती है जहाँ एनालिटिकल टास्क है, आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मतलब कुछ आप रैशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो आपका मनोमय कोश डेवलप हो जाएगा। और आनंदमय कोश के लिए आपको डिवोशन, आसन, प्रत्याहार, बिलीफ इन गॉड, ये सारा करेंगे आप, तो आपका धीरे धीरे आनंदमय कोश डेवलप हो जाएगा। और इस तरीके से कहा जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह से डेवलप हो गई है इन अकॉर्डेंस टू इंडियन फिलॉसफी। तो ये पंचकोश थियोरी ऑफ पर्सनालिटी है, जो कि भारतीय दर्शन कहता है कि मनुष्य जो है वो पांच कवरों से घिरा हुआ है, और अल्टीमेटली आपको आनंदमय कोश तक अपने आप को ले जाना है, और वहां तक जब वहां पहुंच जाएंगे आप, सारी शीट्स के बीच में इंटरकनेक्शन हो जाएगा, हार्मनी हो जाएगी, तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप्ड मानी जाएगी। ओके, so it is a new topic for me too. Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel.